इकबाल नाम की क्या चीज़ है आप हमको बताइएगा ना। 8 दिनों तक हमारे मुख्यमंत्री के शहर में 5 दिन दंगा रह जाए और मुख्यमंत्री का शहर जल जाए तो हम जिंदा रह के क्या उचित है। बिहार में दलाल, माफिया, अपराधी, नेता, पदाधिकारी, यही 5 ठोना नेक्सस है। इन्हीं 5ों के द्वारा ना जिंदगी तबाह हुई है बिहार में। दादा घर से निकलता नहीं है, MLA है बगल में, आरन में घर जल गया, 22 दुकान जल गया, एक बुजुर्ग मर गए, सड़क गया नहीं आज तक। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा की ये मुरलीगंज लगातार यहाँ पर हत्याएं हो रही है। बिहार में जहाँ तक बात करें अगर मधेपुरा की, तो मधेपुरा में हत्याओं का जो है ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन मधेपुरा प्रशासन इस पर नकेल कसने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रही है। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मधेपुरा पूर्व सांसद पप्पू यादव आए थे, जो बीते दिनों मोहन कुमार की जो तमोट परसा में हत्याएँ कर दी गई थी उनके मौसेरा भाई के द्वारा। आज उनके परिजनों से मिल रहे, क्या कुछ कर रहे हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, सुनिए आप। मधेपुरा में लगातार हत्याएं हो रही है, पिछले दिनों मुरलीगंज में भी, हरिपुर कला में जो सोए अवस्था में एक बालक की मौत हो गई थी, गोली मार दिया गया था। आज यहाँ पे लगातार इस तरह की घटना हो रही है। आप पहुँचते हैं लेकिन जो यहाँ पर देखते हैं कि लगातार जो प्रशासन की ओर से कोई नकल नहीं जो कसी जा रही है। 2-3 बात समझिए, समाज जब लड़ना खत्म कर देता है और समाज का आम लोगों पर, पंचायत पर, सामाजिक व्यवस्था पर कंप्लीट रूप से उसकी ताकत, उसकी जो उसका जो विचार है वो ख़त्म हो जाए तो फिर शासन प्रशासन बहुत बड़ी चीज़ नहीं करता। सबसे बड़ा दोषी समाज है। समाज अब आवाज़ भी नहीं देता, लड़ना भी नहीं चाहता और लोगों के लिए जीना भी नहीं चाहता। अब जहाँ तक मर्डर का तो कोई अब सीमा है नहीं, मैं तो देख रहा हूँ। रात भी हम जहाँ गए थे, सहरसा में गए थे, जहाँ एक बच्चे की हत्या कर दी गई एक लड़की के चलते, और फिर दूसरी जगह भी रात में घटना घटी। तो लगातार घटना मतलब है कि कानून का इकबाल नहीं रह गया है, शासन का इकबाल नहीं रह गया है। हम अभी ही कह रहे थे कि 8 दिन मुख्यमंत्री के जिले में दंगा रह गई। अब इकबाल नाम की क्या चीज़ है आप हमको बताइएगा ना। 8 दिनों तक हमारे मुख्यमंत्री के शहर में 5 दिन दंगा रह जाए और मुख्यमंत्री का शहर जल जाए तो हम जिंदा रह के क्या उचित है। सासाराम बगल में मुख्यमंत्री जी हैं, डिप्टी CM हैं, आग लगती है 400 घर और हम 100 मीटर भी निकल करके नहीं जा सकते हैं लोगों की ज़िंदगी बचाने। नफरत पैदा करने के लिए इन लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया होता है। MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए इन लोगों के पास करोड़ों रुपया होता है। भगवान के नाम पर इन लोगों के पास बहुत पैसा आ जाते हैं, लेकिन जिंदा इंसान के लिए इन लोगों के पास कोई मदद की जेब में नहीं होता और जिंदा इंसान के लिए इन लोगों के पास कोई नैतिकता भी नहीं बची है। जिंदा इंसान भगवान है, इस पर कोई बहस नहीं है। मुर्दा भगवान है बहस यहाँ पर, उसके लिए पूरा का पूरा इंसानियत को कत्लेआम करेंगे, सबको मार देंगे, जाति का नाम लेके गाली गलौज करें। तो जो जिंदा इंसान है उस पर न सरकार की दिलचस्पी है, न मर्डर पर सरकार की दिलचस्पी है, न आपदा पर सरकार की दिलचस्पी है। 9,000 रुपया, यदि दुकान जल गया तो 1 रुपया नहीं, गांव में जला तो 9,000, अब पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है 9,000 रुपया। एक तो प्लास्टिक, ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी को बोलेंगे तो रेड क्रॉस से कुछ दे देगा। यह पॉलिसी सही है क्या? 2-2 लाख, 4-4 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख का मकान जल जाता है, बेटी की सब कुछ जल जाता है 9,000 रुपया, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, और इस पर सरकार गंभीर नहीं है। जो लोग बाहर से आते हैं नेता लोग, और जो नेता नेतागिरी करते हैं बाहर से आके गाली गलौज कर रहे हैं, उनको ना हालात बिहार को समझने की ज़रूरत है कि क्या स्थिति है। सब थानेदार यदि जमीन माफियाओं के साथ बैठेंगे, शराब और बालू वाले के साथ, तो सुरक्षा कौन करेगा? सबको टारगेट दिया हुआ है, DSP से लेके ऊपर से लेके नीचे तक पैसा का रसूख होता है। दफा जोड़ने के लिए पैसा, दफा निकालने के लिए पैसा, चार्जशीट में नाम देने के लिए पैसा, चार्जशीट से नाम निकालने के लिए पैसा।
तो ये चार्जशीट में जोड़ो तब पैसा, निकालो तब पैसा, एक दफा लगा दो तब पैसा, दो धारा निकाल दो तब पैसा। तो जब ऊपर से नीचे पैसे का ही खेल होगा तो गरीब को कौन न्याय देगा? इस बिहार में दलाल, माफिया, अपराधी, नेता, पदाधिकारी, यही पांच ठोन नेक्सस है। इन्हीं पांचों के द्वारा ना जिंदगी तबाह हुई है बिहार में, आप हमको बता दीजिए। बस इसी पांचों को जिंदा रहने का राइट मिल गया है, या तो नेता जिंदा रहेंगे, पदाधिकारी, माफिया, दलाल, जबकि इसी पांचों को मरना चाहिए। साला नाग मिले, सांप मिले छोड़ के पहले इन्हीं पांचों को साला सूट एंड साइड करने की जरूरत। साला घर से निकलता नहीं है, MLA है बगल में, आरन में घर जल गया, 22 दुकान जल गया, एक बुजुर्ग मर गया, साला गया नहीं आज तक। क्या आप अपेक्षा करिएगा? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, यही अपेक्षा है आपकी? न्याय तो मिल के रहेगा, बेफिक्र रहिए, किसी के बाप की औकात नहीं पैसा से इसकी जस्टिस को रोक दे। मैं जरूरत होगी CM से भी बात करूंगा। जो हालात है, जो परिस्थिति इस परिवार की, ये जघन्य अपराध है, रेयर एंड रेयरेस्ट अपराध है, और इसमें हम SPD ट्रायल की मांग करें। चिट्ठी लिखेंगे, SPD ट्रायल और अभिलंब चार्जशीट। पहले चार्जशीट ये दे, 60 दिन का इंतजार करने हम नहीं देंगे। क्या आप चार्जशीट दीजिए? जिसने मरवाया वो क्लियर है, वो यहाँ सब कुछ सेटिंग करके नेपाल चला गया। यदि नेपाल का कागज लाया भी तो सेटिंग किया ना, साफ दिखता है, तो बिल्कुल क्लियर है। इसमें मालाफाइड इंटेंशन है, इंटरप्रेट, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, प्री प्लान्ड है कंप्लीट रूप से, और पहले से तय है रुपया दे करके हत्या करवाई गई, शूटर कोई और था, मरवाया कोई और, दोनों भाई को मारने की साजिश थी। अब तो ये घर ही वीरान हो गया। जो मदद हो सकती हो हम करेंगे, जितनी मदद हो सकती हो हम करेंगे। कला, हरिपुर कला, उसका नहीं कुछ हुआ, और जो प्रमुख को मार दिया था बिहारीगंज, उसका भी नहीं कुछ किए। उप प्रमुख को जो बिहारीगंज मारा, उप प्रमुख बिहारीगंज, कृष्ण कुमार यादव जी, हाँ, उसको मरवाया कौन, वो जोड़ी है भाई मेरे। ये हरिपुर कला वाले में नहीं हुआ है। जीने हरिपुर कला, मुरलीगंज, हरिपुर कला, वो लोग हैं ही नहीं। हाँ, वो लोग नहीं है। जौरी है भाई मेरे, हमने उसका नाम भी आपको कहा था, वो याद होगा, उस हरिपुर कला में एक नाम हमने आपको कहा था, बस उसी पर करने की जरूरत है। इसको इसका चार्जशीट भी कर ही देने की, स्पीडी ट्रायल पर इस पर ध्यान दीजिए। अपना मुरलीगंज वाला, इस पर केस जो मारा है बच्चे को, तमोट परसा वाला, जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मधेपुरा पूर्व सांसद पप्पू यादव भावुक हो गए थे। यहाँ एक तरह जो पूरी तरह से समाज जो है, समाज के आंखों में आंसू मोहन हत्याकांड को लेकर के पूरे समाज जो है रोना शुरू कर दिए थे। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मधेपुरा SP से फोन से बातचीत की है और इस हत्याकांड के बारे में जल्द ही जो है उन्हें SPD ट्रायल चलाने की बात कही है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मधेपुरा में इस तरह की घटनाएँ हो रही है, लगातार जो है जो प्रशासन कहते हैं कि नकेल कस रहे, लेकिन ऐसा कुछ जो है प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। आज यहाँ हत्या हुई तो कल वहाँ, इस तरह की लगातार घटनाएं मधेपुरा से निकल कर आती हैं।